नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्षिका डागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। NSUI जिला अध्यक्ष अंबर माथुर, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतेश शर्मा द्वारा पुलिस के खिलाफ ज्ञापन दिया और चर्चा में बताया शराब तस्कर अरविंद शर्मा के ऊपर जो प्रकरण बनाया वह गलत है। पुलिस को अरविंद शर्मा के विरुद्ध ऐसा प्रकरण नहीं बनाना था, जो प्रकरण बनाया उसका संबंध शराब तस्कर अरविंद शर्मा का दूर दूर तक संबंध नहीं है। NSUI के कार्यकर्ता द्वारा बताया गया घर से पुलिस सट्टे का प्रकरण बनाने का भूल कर ले गए और बाद में जहरीली शराब का प्रकरण पुलिस द्वारा झूठा बनाया गया। साथ ही NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को घर से ले जाते समय के फुटेज भी उपलब्ध कराए गए। जांच में पता चलेगा सरकार शराब तस्कर का प्रकरण पुलिस द्वारा बनाया गया जांच में पता चलेगा शराब तस्कर का प्रकरण पुलिस द्वारा बनाया गया वह झूठ है या सही है। इधर पुलिस का कहना है पुलिस की दुश्मनी आरोपी से क्या है, जिसके चलते झूठा प्रकरण बनाया गया। शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, अपना पाप छुपाने को लेकर पुलिस पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, जबकि उसके पास पुलिस में जहरीली शराब बरामद की है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई सत्य है। आज एक NSUI उज्जैन के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें एक कार्रवाई जो थाना चिमनगंज पर हुई है उसमें कार्रवाई को सही नहीं बताया गया है और इसके जो आरोप हैं उनके हम फेयरली निष्पक्ष लेवल पर वरिष्ठ लेवल पर हम जांच कराएंगे और जो विधि सम्मत जो सही कार्रवाई होगी उसको कराया जाएगा। उज्जैन पुलिस कप्तान को आपने ज्ञापन दिए, क्या है मांग? हमारी ये मांग है कि 13 तारीख को हमारा एक छात्र है अरविंद शर्मा, जो कि श्री कृष्णा कॉलोनी में रहता है, उसे चिमनगंज थाना पुलिस मतलब जो भी अपना TI साहब जो है चिमनगंज थाना के, उनके द्वारा कुछ आरक्षक घर पर भेजे गए। वो घर पर आने के द्वारा वो उसके पिताजी और इनसे उन्होंने बोला कि बोले कि हम TI साहब को कुछ पूछताछ करने हैं, उसको थाने लेके जा रहे हैं। थाने ले गए, थाने ले जाकर उन्होंने बोला कि हम इस पर सट्टे का प्रकरण बनाएंगे। वो सट्टे का प्रकरण बनाने के बाद में मतलब बनाने का बोल कर उन्होंने जहरीली शराब का उस पर प्रकरण बनाया, जबकि छात्र का ना तो सट्टे से कुछ लेना देना है ना शराब से कुछ लेना देना है। इसके विरोध में आज हमने एडिशनल SP साहब को ज्ञापन दिया था। SP साहब यहाँ पर उपस्थित नहीं होने के कारण एडिशनल साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है और उस पर शीघ्र कार्रवाई करने की आश्वासन भी दिया है। हो सकता है कि कल या परसों में वो इसकी जानकारी लेकर पूरी निष्पक्ष कार्रवाई कर आगे पुलिस को भी जानकारी दें और कोर्ट को भी जानकारी दें और हमें भी जानकारी दें। नहीं करता था सट्टे का काम, उसकी जो ऑडियो है वो भी फेक है, ओरिजिनल ऑडियो नहीं है उसकी। हमारे पास में सारे रिकॉर्ड हैं, उसको घर से ले जाते हुए CCTV फुटेज भी हैं और उसके घर वालों के द्वारा भी फुटेज बनाया गया है थाने तक ले जाते हुए भी। उसके अलावा उसका कोई अनैतिक कार्य नहीं है और छात्र दो या तीन दिन से घर में सोया था, उसकी तबीयत भी खराब थी। आप कैसे सिद्ध करोगे कि उनके घर से शराब नहीं पकड़ी? वो फुटेज में आया ना, सभी ले जाते टाइम CCTV फुटेज में क्लियर दिख रहा है कि पुलिस वाले आए उसको लेके गए और उनके घर के अंदर की नहीं, घर के बाहर के फुटेज है, लेकिन शराब वराब का कोई से कोई तक कालम नहीं है। उसके बाद पुलिस गई भी नहीं उसके घर पे, ना उसके घर से ऐसा कुछ होता है। पास में पूर्व पार्षद भी रहते हैं, वो भी साथ में ही थे, उसी समय बाहर ही खड़े हुए थे, घर के अंदर नहीं थे। आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उसके बाद में आसपास के जो लोग हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो भी सब छात्र के साथ में है कि इसके द्वारा कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया गया और छात्र भी सीधा है, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब है। नहीं कहीं भी नहीं, ये सिद्ध बता दे रहा हूँ मैं आपको फुटेज में, और पुलिस ने पकड़ा है तो पुलिस सिद्ध करे कि कहाँ से पकड़ा है कहाँ से नहीं पकड़ा है। हमारा छात्र निर्दोष है, इसीलिए आज हम यहाँ आए, नहीं तो अगर और कोई होता तो हम उसके लिए हर किसी के लिए तो हम आते भी नहीं है। नाम आपका? अंबर माथुर, NSUI जिला अध्यक्ष उज्जैन।